दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताया था कि बीएसएनएल ने 25,000 से भी ज़्यादा टावर इंस्टॉल कर दिया है। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अभी तो मजा आएगा, अभी बीएसएनएल का 4G टावर इंस्टॉल हो रहा है, दिन ब दिन 4G टावर का जो संख्या है वो इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है, अभी मुझे आगे से अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, बीएसएनएल को मार्केट में रहना चाहिए, बीएसएनएल जिंदाबाद, ऐसे करके लोग आनंद पूर्वक कमेंट कर रहे थे। लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, और मुझे भी बोला जा रहा है कि तुम भी इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बीएसएनएल को क्यों बता रहे हो। 25,000 टावर ही तो लगाया है, 25,000 टावर से जियो एयरटेल को क्या वो कंपटीशन दे पाएगा? जियो के पास 5-5 लाख, 6-6 लाख का टावर है, एयरटेल के पास भी बहुत लाखों का टावर है, तो क्या बीएसएनएल 25,000 टावर से जियो एयरटेल को कंपटीशन दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। सो मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि बीएसएनएल का अभी 25,000 टावर लगा है, और इंडियन न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि अक्टूबर 2024 तक 80,000 से भी ज्यादा टावर लग जाएगा, और मई नहीं सॉरी मार्च मार्च 2025 तक पूरे 1,12,000 टावर बीएसएनएल की तरफ से 4G टावर पूरे पैन इंडिया पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही मार्च 2024 में ही आपको बीएसएनएल की तरफ से मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर 5G भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद 5G का टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, ये काम जो है हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जहां पर 6 महीने में बीएसएनएल ने टोटल 10,000 4G टावर इंस्टॉल किया था, वहां पर सिर्फ 1 महीने के अंदर, जुलाई से अगस्त महीने के अंदर, 15,000 से भी ज्यादा टावर जो कि 4G का है वो बीएसएनएल की तरफ से इंस्टॉल कर दिया गया है, और 15,000 प्लस 10,000 टोटल 25,000 से भी ज्यादा 4G टावर अभी पैन इंडिया पे है। तो सिर्फ 25,000 टावर से 5 लाख का कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1,12,000 टोटल टावर लगाया जाएगा, और 1,12,000 से 5 लाख का कंपटीशन हो सकता है। अभी दूसरा चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1 लाख टावर से 5 लाख का कंपटीशन कैसे होगा, ये भी नहीं हो सकता। हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, बीएसएनएल के पास है 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड बहुत दूर तक रेंज कवर करता है, मतलब जियो का या एयरटेल का 3 से 4 टावर जो काम करेगा, बीएसएनएल का एक टावर जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज बैंड लगा हुआ है, ऑलमोस्ट सभी में ही 700 मेगाहर्ट्ज और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड लग जाएगा, तो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड एक वाला जो टावर है, एक टावर वो 4 टावर को कंपटीशन दे सकता है, तो यहाँ पर 4 लाख टावर तो ऐसे ही हो जाता है। तो उसके साथ आपको और एक चीज क्लियर कर दूं कि बीएसएनएल अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। बीएसएनएल 4G लॉन्च करने के बाद ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से अपने 5G को भी लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो 5G जब लॉन्च कर देगा तो कुछ टावर जो जियो और एयरटेल को वीआई को भाड़े में दिया है ना, वो टावर भी ले सकता है वापस, और उसी टावर से अपने खुद का जो टावर है उसी टावर से खुद का 4G 5G जो कि इंडियन मतलब देसी 4G 5G है, इंडिजिनियस वे से इसको रेडी किया गया है, 4G का कोर नेटवर्क उसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इससे थ्रू आप पता चल गया होगा आपको कि बीएसएनएल का जो 1,12,000 टावर है वो 5 लाख टावर को कंपटीशन दे सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करना, ठीक है। और एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो बेल आइकन को प्लीज क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं आपको बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज डेली दे रहा हूँ। अगर आप लोग बीएसएनएल को पसंद करते हैं, बीएसएनएल को सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज बीएसएनएल को थोड़ा आप वीडियो देखकर, लाइक कमेंट करके, ऐसे करके सोशल मीडिया पे थोड़ा और यहाँ पर ग्रो करने में मदद कीजिए, तो बीएसएनएल का जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। आपके एरिया पे अगर 3G है अभी लेकिन 4G नहीं आया, तो आपके एरिया पे भी बहुत जल्दी 4G आ जाएगा। कहीं पर भी अगर 4G लॉन्च होता है बीएसएनएल की तरफ से, तो सबसे पहले मैं ही आपको बताता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।